वेलकम टू अनप्लट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपी कॉन्स्टेबल 2021 की जो भर्ती आने वाली है उनके पिछले पेपर के 16 पेपर सभी हम कराएंगे जो अभी तक हुए हैं। इस वीडियो में हम 28/1/2019 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। अगली वीडियो में हम हिंदी के, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम सभी पेपरों को कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है? इसका आंसर है 455 से लेके 390 nm। और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन किसका उदाहरण है? इसका आंसर है सी, पायस का। पायस दो या दो से अधिक अमिश्रित द्रवों का को मिलाने से बनता है। दूध, गोंद एवं मक्खन पायस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसका आंसर है डी, एप्सम सॉल्ट में। एप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सर विलियम मुइन ने। और ये एक केंद्र विश्वविद्यालय है। इसी के साथ जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1791 में की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थी और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने गुप्त रूप से सक्रिय होकर कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे? इसका आंसर है बी, योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका आंसर है डी, सारस। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस अथवा क्रोच है। राज्य के वृक्ष अशोक, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य पशु पलास एवं राज्य खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है बी, संयुक्त प्रांत। वर्ष 1987 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है ए, आगरा में। कैलाश मेला के पीछे मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका आंसर है बी, शारदा नहर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है ए, 2000। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका आंसर है सी, भौतिक शास्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन है,
विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 निधि कथाओं का संग्रह है? इसका आंसर है बी, विस्टली टेल्स। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। इसका आंसर है डी, अग्निपथ। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका आंसर है डी, कार्ल लैंड स्टेनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की प्रणाली की खोज की। अगला क्वेश्चन है, डेस एक कंप्यूटर बम है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इसका आंसर है बी, स्टक्स नेट। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, पाक जलमरुमध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? इसका आंसर है बी, अलास्का। अलास्का अपनी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से आपका सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है ए, मस्कट। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का भाग नहीं, बल्कि ये अरब देश ओमान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन राजधानी है? इसका आंसर है सी, मनामा। अगला क्वेश्चन है, डेस पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? इसका आंसर है बी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसका आंसर है डी, मेरठ में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्फार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर है बी, उदंत मातंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसका आंसर है बी, लार्मा रोजो। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इसका आंसर है डी, वेनेगल नरसिंह राव ने। अगला क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है बी, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र का। लावड़ी के अतिरिक्त तमाशा, कोली, लोइम, गब, बहोदा, गोरीचा एवं पोवरा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं और उत्तर प्रदेश के
लोकनृत्य रासलीला कजरी और नौटंकी है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्र बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर है ए 2016 में। भारत में पृथक रूप से रेल बजट की शुरुआत 1921 में एकवर्ष समिति की सिफारिश पर वर्ष 1924 से की गई। वर्ष 1924 से 2015 तक रेल बजट अलग से पेश होता था। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा अलग से रेल बजट को प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया तथा इसे सामान्य बजट में मिला दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर है ए वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर है सी गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया। इसका आंसर है डी सेंटिनल द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहला नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। इसका आंसर है ए सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इसका आंसर है सी बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। इसका आंसर है ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। इसका आंसर है सी पराग कोष में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। इसका आंसर है बी कोकस। कोकरा जीवाणु तीन प्राथमिक आकारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अभी ये आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं जिसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। आपको जीके के क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।